सभी दोस्तों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। दोस्तों आज हम फिर पहुँचे हैं श्रीनिवास धाम। ये बहुत ही पवित्र धाम है और यहाँ नियम से रहना, अनुशासन से रहना, यहाँ का डिसिप्लिन रखना बहुत ही ज़रूरी है। और कोई शराबी मांस मिट्टी खाने वाला कृपा करके इस धाम पे ना आए। देखिए यहाँ काफ़ी श्रद्धालु बैठे मेरे पीछे, काफ़ी महिला बच्चे बूढ़े जवान दो दो दिन से बैठे हैं। झाड़ा देर से लगता है लेकिन आराम होता है, उनके होता है जो सच्ची श्रद्धा रखते हैं, इंसानियत के नाते चलते हैं और विश्वास पे ये धाम टिका हुआ है। और यहाँ पांच तत्वों का झाड़ लगता है, जल वायु अग्नि पृथ्वी। और यहाँ अंधविश्वास और पाखंड का कोई काम नहीं है। यहाँ बिल्कुल सच्ची श्रद्धा की ज़रूरत है। जो भी श्रद्धा से आता है दोस्तों उसके आराम होता है। हमने काफ़ी भक्तों की यहाँ रिपोर्ट ली है, बिल्कुल 80% सच्चाई का मार्ग है यहाँ पर, बिल्कुल सच्चाई सच्चाई है। मैं तो नुकूँ ऐसा पवित्र धाम हम पहली बार देख रहे हैं हरियाणा में। और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से आते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, काफ़ी आउट ऑफ कंट्री से आते हैं और वो लोग ठीक भी होके जाते हैं। और देखिए मेरे पीछे, देखिए यहाँ इमरजेंसी झाड़ा लगता है, ये गाड़ी में आए भाई साहब इनसे पूछेंगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? सूरजवान। कहाँ से आए हो? शिमला से। शिमला जी। तो आपके क्या दिक्कत है? मेरे नस ब्लॉक जी, सारा नस ब्लॉक। पहला झाड़ा या दूसरा झाड़ा? पहले झाड़ा है। आपको किसने बताया यहाँ झाड़ा लगता है? ये जी फोन में देख, नेट पे देख, फोन में देख के आगे। और आपका विश्वास आड़े आराम होगा? पूरा विश्वास। देखियो आड़े कहते बकांदे हो, झूठ बोलते हो। पूरा विश्वास। पैसे वैसे तो नहीं लेते यहाँ पर? ना जी कुछ नहीं, बिल्कुल कोई पैसे का नाम? कोई पैसा नहीं। तो यहाँ आपका विश्वास है? ठीक हो गए? हाँ विश्वास है। ठीक है, ये बहुत पवित्र धाम है, इससे जुड़े रहिए आप। है जी विश्वास पाए? हाँ जी विश्वास पाए। विश्वास। आपका क्या नाम है जी? संतरो जी। आपका क्या लगते है? मेरा घरवाला। घरवाला है? हाँ जी। ठीक है, इसी धाम से जुड़े रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरा नाम मुकेश है जी, मैं जिंद से आई हूँ। मेरा गांव वो डाकेडा है। हाँ जी। देखो जी मेरे बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, जिस तरह डिस्क की प्रॉब्लम थी, डिस्क की प्रॉब्लम होने के साथ मैंने दवाई ली। हाँ उसके कारण काफ़ी बीमारी आ गई शरीर में, जिस तरह लीवर में है, किडनी में है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। देखो जी मैं पाँचवीं बार आई हूँ। पाँचवीं बार? हाँ जी। कितने दिन से आऊँ? देखो जी मैं, मेरे को 3 महीने हो गए सर। 3 महीने हो गए? हाँ जी। झाड़ी क्या लगवाया आपने? झाड़ा मेरा आपकी बार 5 माह सर। 5 माह लगेगा? हाँ जी। तो कितने परसेंट ठीक हुए आप? देखो जी मेरा ना 70% आराम है। 70 तो बहुत हो गया। हाँ जी 70 के भी तो मानो मेरे 90% है। 90% हो गया? हाँ जी। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, पहले कुछ नहीं खा पी सकूँ थी, अब अच्छी तरह खा पी रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। और जिसने भाई भगवान पर विश्वास करे ना, वो हर तरह से ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने डॉक्टरों से भी बहुत सारी दवाई ली थी लेकिन जी आराम तो था। उस दवाई के साथ हमारा दूसरी बीमारी और लग गई, जिस तरह ज़्यादा गर्म दवाई थी, लीवर में, किडनी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन हम पूरे ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना लूटे आपको डॉक्टरों ने? तो जी बस पूछो मत ना, बहुत सारे पैसे लगाए हैं। बहुत सारे पैसे लगा दिए? हाँ जी। और आराम बिल्कुल नहीं? आराम हुआ। आराम यहाँ हुआ आपके? आराम हुआ था जी वहाँ डॉक्टरों के पास। हाँ। भी लेकिन आराम होया, उसके साथ दूसरी बीमारी भी लगी। इतने दवाई खाओ थे इतना आराम था लेकिन उसके बाद कोई आराम नहीं है भाई। दवाई खाई है 24 घंटे आराम रहा, उसके बाद फिर ये ऐसा करता भी जैसे शरीर में पीड़ा हो रही है, अब मेरे को दूसरी दवाई चाहिए, ऐसा ही था। लेकिन अब झाड़ा लगवाने के बाद जी मेरे को कोई किसी दवाई की ज़रूरत नहीं। आम लोगों को क्या संदेश दोगे इस धाम के बारे में? मैं आम लोगों को ये संदेश देती हूँ कि भाई देखो विश्वास करो, विश्वास करके आओ। कोई भी चीज़ है विश्वास पे टिकी हुई है दुनिया। नहीं किसने भगवान देखा? देखा किसी ने? देखा। लेकिन विश्वास में हर इंसान के अंदर भगवान है। हम विश्वास करेंगे तो पूर्ण रूप से ठीक होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बोलो जय श्री ओम बन्ना की। जय ओम बन्ना की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम बन्ना की जय हो जी। क्या नाम है जी आपका? रीना जी। कहाँ से आए हो? बूढ़ा खेड़ा से। बूढ़ा खेड़ा कहाँ पर रहिए? जींद। जींद में? ये सफेद हूँ और जींद के बीच में। क्या दिक्कत है आपका? मेरे पथरी थी जी। पथरी थी? क्या झाड़े लगे हैं? दूसरा है जी। तो आराम है भे? हाँ आराम है जी मेरा। तो कभी डॉक्टर की दवाई दुई नहीं लेते आप? ना जी ले थी, पहले भी बहुत सारी दवाई ले कर देखी है, पानी भी पी के आई थी, पानी पीते आराम नहीं होया था। अच्छा तो यहाँ में आराम है? हाँ आराम है जी। कितने पढ़ रहे हो? प्लस टू कर रखी है। प्लस टू? चलो बड़ी अच्छी बात है। प्लस टू है, पाँच से तो साइंस पे विश्वास करना चाहिए आपने।
साइंस तक कर रखी है जी तो फिर कंप्यूटर कोर्स कर लिया था जी। साइंस से करा के प्लस टू और फिर भी ज्यादा विश्वास करते हो? हाँ जी। ऐसा तो नहीं हो किसी ने बका रखी हो? ना जी, बकाना के था जी, वो तो सब ने दिखा है जी जो कुछ भी है। तो आप सच्ची श्रद्धा से आए? हाँ, सच्ची श्रद्धा था। ऐसा मेरी बहन जो सच्ची श्रद्धा से आता है, कहते हैं ना उनको खुदा मिले जिनको खुदा की तलाश। हाँ जी, ये पवित्र धाम है और यहाँ पर पूर्ण रूप से ठीक भी होगी। धन्यवाद। आपका क्या नाम है जी? मोनिका जी। आपकी क्या दिक्कत है? मेरे भाई दो अंधे जी, उन्हें दिखता नहीं है जी। तो उनके पहला झाड़ा दूसरा है? दूसरा है जी। तो कुछ फर्क पड़ा पहले? पहले में तो ऐसे कुछ बादल से दिखाई दिए थे जी, अब तो बादल से थोड़ा बहुत। हाँ जी। अच्छा जी। हाँ, अब दूसरा झाड़ा आए हो? हाँ, दूसरे पे आए जी। तो कभी डॉक्टर पे दवाई दुई नहीं? हाँ जी, दवाई थी। पहले तो उन्होंने बताया था कि उनकी नस सूख चुकी है। अच्छा। हाँ, फिर हमने छोड़ दिए ये, फिर ये स्कूल में भेजे थे पानीपत हॉस्टल में। अच्छा जी। अब ये घर पर रह रहे हैं जी। तो आराम है 1921 का बात। हाँ। अब दूसरा झाड़ा लगाओ। हाँ, दूसरा झाड़ा लगा, दूसरा लगवाइए मेरी बहन। जो भी सच्ची श्रद्धा से आता है यहाँ पूर्ण रूप से ठीक होता है। हमने काफी श्रद्धालुओं की रिपोर्ट ली, बहुत ठीक हो गए गए और यहाँ डॉक्टर भी आते हैं। हाँ जी, ठीक है। बोलिए ओम बन्ना महाराज की जय। बोलिए सच्चा दरबार की जय, ओम मन्ना धाम की जय, पवित्र धाम की जय, सारे श्रद्धालुओं की जय, सारे ठीक होंगे। मैरिड है? मैरिड। मैरिड है। कहाँ है? गदड़ी। गदड़ी। हाँ। सासू कितनी सेवा करे है? सासू सागे आ रही है। साथ है? ओहो, कितनी सेवा करती है जी ये बताओ, पहले आप ही बताओ। फुल आकुआ डरती डरती ना भरी हो? बहुत नहीं कर दियो, गीताज करवा जाएंगे। हाँ, हाँ, ठीक है। तो बेटी क्या दिक्कत आपका? घुटना में दर्द है। घुटने में दर्द है, कड़ में दर्द है। तो किसी डॉक्टर की भी सलाह ली? नहीं, नहीं अभी तक तो नहीं। अभी तक नहीं ली आपने? तो मन बना लिया भाई सीधे उस धाम पर जावा? हाँ। तो यहाँ आराम हो जाएगा विश्वास से? हाँ, हो गया। जो भी यहाँ सच्ची श्रद्धा से आता है उसका विश्वास भी होता है। और जो ये सासू माँ है इसकी खूब सेवा करिए, आज दी तो वही ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
दोस्तों ये हमने आपकी यात्रा कराई श्रीनिवास धाम की। अगर आप इस पवित्र धाम से जुड़े रहे हो, इस पवित्र धाम के नाम से एक लाइक एक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।